नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल्प। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि काफी जल्द गैस के दामों की तरह लोगों को पेट्रोल डीजल के दामों पर राहत मिल सकती है। दरअसल कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि तेल कंपनियों की स्थिति अच्छी है, जल्दी इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, लिहाजा माना जा सकता है कि सितंबर में ही पेट्रोल और डीजल जैसे महत्वपूर्ण रोजाना काम आने वाले ईंधन के दामों पर सरकार कटौती कर सकती है। वहीं इस बार बता दें कि भाइयों को भी मिल सकता है सस्ते फ्यूल का तोहफा। जी हाँ, जिस तरह रक्षाबंधन पर बहनों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, उसी तरह भाइयों को भी जल्द ही सस्ते पेट्रोल डीजल का तोहफा मिल सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए भाइयों को भाई दूज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने पहले भी कहा और हाल ही में इस बात का जिक्र किया है कि देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आर्थिक स्थिति अच्छी है और इस समय लोगों को सस्ते पेट्रोल डीजल का लाभ दे सकती है। उन्होंने इस बात को भी याद दिलाया है कि केंद्र सरकार अपने हिस्से के मुनाफे को कम करने और जनता को राहत देने के लिए टैक्स कम कर चुकी है, लेकिन इसका लाभ केवल बीजेपी समर्थित सरकार वाले राज्यों ने ही अपने प्रदेश की जनता को दिया है। बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नवंबर 2021 और मई 2022 में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स में कमी का फायदा कई राज्य सरकारों ने दिया। वहीं विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों ने ऐसा नहीं किया था। जानते हैं कि देश में कब घटे थे पेट्रोल डीजल के दाम, तो बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले साल मई से कोई बदलाव नहीं देखा गया है। और ये बदलाव मई 2022 में इसलिए हुआ था क्योंकि केंद्र सरकार ने उस समय एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर लंबे समय से इस बात का दबाव है कि वो देश में फ्यूल के रेट कम करे, जिसमें ट्रांसपोर्ट फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दाम भी घटाने की मांग शामिल थी। हालांकि मंगलवार 29 अगस्त को केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस के दाम 200 रुपये और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत कुल 400 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया था, जिसके बाद आम जनता को इनके बढ़े हुए दामों से कुछ राहत मिली है।